Hello students, in this video I am discussing the MCQs of class 7th lesson Quality. First of all, who is the author of the lesson Quality? Jones Goldsworthy, Leo Tolstoy, Roald Dahl, Jerome K. Jerome. The right answer is John Goldsworthy. Where did Mr. Jessler live? Mr. Jessler कहाँ रहते थे? In New York, in Brisbane, in a hut, in his shop, situated in London, in Queensland. The right answer is in his shop, situated in London. What was the main distinction of the shop of Mr. Jessler? Mr. Jessler की दुकान को क्या अलग करता था दूसरी दुकानों से? No sign upon the shop other than Jessler's brother's name. कोई भी चिन्ह नहीं था, सिर्फ Jessler brother's नाम था. Less shoes for display. दिखाने के लिए थोड़े से जूते थे. Many pairs of shoes on display. दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा जूते थे. Both A and B. The right answer is both A and B. How often did the author visit the boot shop? Frequently, जल्दी जल्दी, daily, प्रतिदिन, infrequently, कभी कभार, once a year, साल में एक बार. The right answer is infrequently. लेखक जूतों की दुकान पर कभी कभार जाते थे. What was the reason behind the infrequent visits by the author? इसके पीछे क्या कारण था कि लेखक कभी कभार दुकान पर जाते थे? Jessler's shoes were of bad quality. Jessler के जूतों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी. The author did not get time. लेखक को समय नहीं था. Jessler's shoes lasted long. जेसलर के बनाए हुए जूते बहुत दिनों तक चलते थे. All of the above. The right answer is Jessler's shoes lasted long. How do you know that Mr. Jessler was not an Englishman? आपको कैसे पता चला कि Mr. Jessler एक Englishman नहीं थे? He did not have etiquettes. उनमें शिष्टाचार नहीं थे. Inferences of his mother tongue. उनकी मातृभाषा का प्रभाव. He disliked Englishman. वह Englishman को पसंद नहीं करते थे. All of the above. Right answer is inferences of his mother tongue. और ये लेसन में बहुत बार Jessler के शब्द जब दिए गए हैं तो उनमें कुछ वर्ड्स में डी और टी को इंटरचेंज किया गया है, जिससे उसमें दिखाया गया है कि मिस्टर जेसलर जर्मन टोन में बोलते थे, उनका एक्सेंट जर्मन था. व्हाट वाज मिस्टर जेसलर नेशनलिटी? तो जब उनका टोन जर्मन था तो राइट आंसर इज जर्मन. विद होम डिड मिस्टर जेसलर लिव? मिस्टर जेसलर किसके साथ रहते थे? मदर, फादर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर. द राइट आंसर इज एल्डर ब्रदर. वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. What was the sound that beat the narrow wooden stairs? कौन सी आवाज़ थी जो कि तंग लकड़ी की सीढ़ियों पर आ रही थी? लेखक ने बहुत सारे विजनरी वर्ड्स का यूज़ किया है, मतलब किसी भी कृति को जीवंत बनाने के लिए उसमें ऐसी वर्ड्स ऐड किए जाते हैं ऑथर के द्वारा, जिससे कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में अज्यूम कर सकें. द साउंड ऑफ सम मार्बल्स, कुछ कंचों की आवाज़. द साउंड ऑफ राउंड बेल, गठड़ की आवाज़. द टिप टैप्स ऑफ स्लीपर्स, चप्पलों की टिप टैप की आवाज़. लकड़ी के ऊपर जब चलते हैं तो उनकी टिक टिक की आवाज़ होती है. द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, या फिर बूंदों की आवाज़. द राइट आंसर इज द टिप टैप्स ऑफ स्लीपर्स. Which type of material did Mr. Jessler use to make the boots? Mr. Jessler जूते बनाने के लिए किस तरह का पदार्थ यूज करते थे? Rough leather, कठोर चमड़े का. Soft rag jean,
नरम रैगजीन का, इम्पोर्टेड रैगजीन, आयात की हुई रैगजीन का, फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चमड़े का। द राइट आंसर इज फाइनेस्ट क्वालिटी लेदर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेंस? एसेंस शब्द से आप क्या समझते हैं? जो कि लेखक ने बताया है मिस्टर जैसलर के जूतों में एसेंस होता था। तो यहाँ वर्ड्स हैं की पॉइंट, मेन पॉइंट, सब्सटेंस, एक्सट्रैक्ट, सेंट, परफ्यूम, ऑल ऑफ द अबो। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो। इन मिस्टर जैसलर्स पर्सपेक्टिव व्हाट वाज शू मेकिंग? मिस्टर जैसलर के नजरिए से जूते बनाना क्या था? अ डिफिकल्ट टास्क, एक कठिन काम, एन इजी टास्क, एक आसान काम, एन आर्ट, एक कला, क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा। द राइट आंसर इज एन आर्ट। उनके लिए जूते बनाना एक कला थी। व्हाट वॉज मिस्टर जेसलर्स कंप्लेंट अबाउट द बिग फॉर्म? मिस्टर जेसलर की क्या शिकायतें थी बड़ी कंपनियों के बारे में? दे वर स्पॉइलिंग हिज बिजनेस, वो उसके व्यापार को नष्ट कर रहे थे। दे वर प्रोड्यूसिंग वर्थलेस बूट्स, कंपनियां बेकार जूते बना रही थी। दे डिलीवर्ड ओनली क्वांटिटी, वो केवल मात्रा पर ध्यान दे रहे थे। ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाई द ऑथर ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स? लेखक ने बहुत सारे जूतों के जोड़े बनाने का ऑर्डर क्यों दिया? ही वॉज जॉयफुल, वह खुश था। ही वॉज अपसेट, वह उदास थे। ही फेल्ट पिटी, उन्हें दया आ गई थी। ही वॉज अ जेंटलमैन, वो एक भद्र पुरुष थे। द राइट आंसर इज ही फेल्ट पिटी। व्हाट डज लाइंड फेस इम्प्लाय? लाइन फेस से आप क्या समझते हैं? हिज सेटिस्फेक्शन, मिस्टर जैसलर की संतुष्टि, हिज प्रॉब्लम्स, उनकी कठिनाइयाँ, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए संघर्ष, डिजीज या फिर बीमारी। द राइट आंसर इज द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। टेल द नोशन ऑफ मिस्टर जैसलर्स अबाउट बिग फॉर्म्स। मिस्टर जेसलर के बड़ी कंपनियों के बारे में क्या विचार थे? दे हैव क्वालिटी बूट्स, बड़ी कंपनियां गुणवत्ता पर जूते बना रहा था। दे आर माइनिंग मनी, वो पैसे बना रही थी। दे आर गुड प्रोड्यूसर्स, वो अच्छे उत्पादक थे। दे आर चीटिंग द पीपल, वो लोगों के साथ धोखा कर रहे थे। द राइट आंसर इज दे आर चीटिंग द पीपल। विच फ्रेज मीन टेक केयर ऑफ? नीचे दिए गए वाक्यांशों में किसका अर्थ टेक केयर ऑफ होता है? टेक केयर ऑफ होता है देखभाल करना। लुक डाउन ऑन, इसका मीनिंग होता है डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इंफीरियर, नीचा दिखाना। लुक आउट मीन्स बी केयरफुल, सावधान रहना। लुक आफ्टर, देखभाल करना। लुक अप, इम्प्रूव करना। राइट आंसर इज लुक आफ्टर। द शूज मिस्टर जेसलर मेड सीम्स टू ऑथर एज। जो जूते मिस्टर जेसलर बनाते थे वो लेखक को कैसे दिखते थे? वर्थलेस, बेकार, ऑफुल, भयानक, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यजनक और अद्भुत, अट्रैक्टिव, आकर्षक। द राइट आंसर इज मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। हाउ डिड मिस्टर जेसलर रिएक्ट टू ऑथर्स कंप्लेंट? जब लेखक ने शिकायत की कि जूते ची ची की आवाज कर रहे हैं, तब मिस्टर जेसलर की प्रतिक्रिया कैसी थी? ही गोट अनोयड, उन्हें गुस्सा आ गया। ही गोट सोरोफुल, उन्हें दुख हुआ। ही गोट शॉक्ड, उन्हें धक्का लगा। ही गोट हॉरिफाइड। द राइट आंसर इज ही गोट शॉक्ड, क्योंकि उन्हें अपने जूतों पर इतना विश्वास था, इस बात से उन्हें एकदम झटका लगा। व्हाट वॉज इन मिस्टर जेसलर्स हैंड? मिस्टर जेसलर के हाथ में क्या था? अ कप ऑफ टी, अ बाउल, अ हैमर, अ पीस ऑफ लेदर। द राइट आंसर इज
a piece of leather. What was the specialty of Mr. Jessler's shop? Mr. Jessler ki dukaan ki kya visheshta thi? Its peacefulness, iski shanti, its uniqueness, iska anokhapan, its glamour, iska shore, its crowd, iski bheed. The right answer is its peacefulness. लेखक ने बताया है कि उनकी दुकान में जाकर बैठना एक चर्च में एंटर करने जैसा था. What does the phrase look up to mean? वाक्यांश look up to का क्या अर्थ है? जब वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लग जाती है तो बिल्कुल उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं. तो यहाँ पर दिया हुआ है एडमायर, प्रशंसा करना, आइडोलाइज, किसी को आदर्श मानना, बोथ ए एंड बी, क्रिटिसाइज या किसी की आलोचना करना. द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी. विच टाइप ऑफ एप्रन वॉज वियरिंग मिस्टर जेसलर? मिस्टर जेसलर ने किस तरह का एप्रन पहना हुआ था? प्लास्टिक, लेदर, कॉटन, स्टील. द राइट आंसर इज लेदर. व्हाट इज द कॉमन इन दीज वर्ड्स? नीचे दिए गए शब्दों में कौन सी बात सेम है? एंग्शियस, पोर्शन और एसिज में. देर इज शे साउंड, देर इज चे साउंड, देर इज से साउंड, देर इज ओ साउंड. द राइट आंसर इज देर इज शे साउंड. एंग्शियस में शे साउंड है, पोर्शन में टी आई से शे बनाया है, एस इज में एस एच से शे बनाया है. तो इंग्लिश में देखो तीन डिफरेंट वर्ड्स से शे की आवाज आ रही है. विच टाइप ऑफ बूट्स द ऑथर डिमांडेड? लेखक ने किस तरह के जूतों की मांग की? रशियन स्लीपर्स, रूसी चप्पलों की, फाइन लेदर बूट्स, अच्छे चमड़े के जूतों की. रशियन लेदर बूट्स, रूसी चमड़े के जूतों की, रबर बूट्स, रबड़ के जूतों की. द राइट आंसर इज रशियन लेदर बूट्स. मिस्टर जेसलर सेड टू गिव ऑथर शूज. मिस्टर जेसलर ने लेखक के जूते कितने दिनों में देने के लिए कहा? आफ्टर थ्री डेज, तीन दिनों के बाद. टुमारो, फोर्टनाइट, 15 दिनों के बाद. नेक्स्ट डे, अगले दिन. आफ्टर वन वीक, एक सप्ताह बाद. द राइट आंसर इज टुमारो, फोर्टनाइट. द ऑथर वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर अराउंड. लेखक कितने दिनों बाद जेसलर की दुकान में गए? 3 ईयर्स, 3 साल बाद. 5 ईयर्स, 5 साल बाद. 6 ईयर्स, 2 ईयर्स. द राइट आंसर इज 2 ईयर्स. वट इज द पोजिशन ऑफ शे साउंड इन द वर्ड मस्टेस? इन द बिगिनिंग, शुरुआत में. इन द मिडल, मध्य में. एट द एंड, अंत में. या फिर देर इज नो शे साउंड, यहाँ पर कोई भी शे साउंड नहीं है. द राइट आंसर इज एट द एंड, क्योंकि मस्टेस यू एस से शे बना है और सी एच से शे बना है. बोथ आर डिफरेंट. हिंदी में 3 तरह के शे होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी अलग अलग तरह के शे होते हैं. हु टुक ओवर मिस्टर जेसलर शॉप? मिस्टर जेसलर की दुकान किसने ली? हिज एल्डर ब्रदर द ऑथर, हिज कस्टमर एन इंग्लिश मैन. उनके बड़े भाई की तो डेथ हो गई थी और ना ही लेखक ने ली थी, ना ही कस्टमर में ली थी. द राइट आंसर इज एन इंग्लिश मैन, एक लंदन में रहने वाले इंग्लिश मैन ने उनकी दुकान ली थी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इल ओमेंट? इल ओमेंट शब्द से आप क्या समझते हैं? जिंक्स्ड, अनलकी, इनऑस्पिशियस, ऑल ऑफ द अबो. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो. व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिस्टर जेसलर्स डेथ?
मिस्टर जेसलर की मृत्यु किस कारण से हुई? हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, कोलरा, स्लो स्टार्वेशन। द राइट आंसर इज स्लो स्टार्वेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्वालिटी? गुणवत्ता शीर्षक के क्या महत्ता है? द शूज मिस्टर जेसलर मेड, वे जूते जो कि मिस्टर जेसलर बनाते थे। द शूज द ऑथर मेड, लेखक जो जूते बनाता था। द शूज मेड बाय बिग फर्म्स, बड़ी कंपनियां जो जूते बनाती थी। नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज द शूज मिस्टर जेसलर मेड, क्योंकि वो एक इसे पूजा मानते थे। थीम ऑफ द लेसन, द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ क्वांटिटी। जो आधुनिक जो समय है वो क्वांटिटी का समय है, नॉट क्वालिटी। उसमें मात्रा ज़्यादा महत्व रखती है बजाय के गुणवत्ता। दोज हु प्रोड्यूस मच इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम गेट सक्सेस। और जो लोग थोड़े समय में ज़्यादा उत्पादन करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। ये इस पाठ का थीम था। एंड एट द लास्ट मोरल ऑफ द लेसन, हम इस पाठ से क्या शिक्षा ले सकते हैं? एवरीबडी शुड डू देयर वर्क विद द सेम पैशन एंड जॉय मिस्टर जेसलर डिड। प्रत्येक को अपना काम मिस्टर जेसलर की तरह पूजा मानकर करना चाहिए और उसमें उस काम के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ओके बाय स्टूडेंट्स।